यार गाइस इंस्टाग्राम पे कितने सारे लोग हैं ना, लेकिन हर किसी के इतने फॉलोअर्स नहीं होते हैं, हर किसी के इतने पोस्ट पे लाइक नहीं होती हैं, इतनी पोस्ट एंगेज नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती हैं? क्योंकि थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं मसाले की कमी होती है। उसके लिए आपको थोड़ा बहुत क्रिएटिव, थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखना पड़ेगा। अब अगर बात करें इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स की, तो अगर आपको अपने फॉलोअर्स बढ़ाने हैं तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, ऊपर आई बटन पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो के बाद आप उसको भी जाके चेक कर सकते हो। और भी बहुत सी चीजें हैं जो इंस्टाग्राम की टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, जिसकी पूरी प्लेलिस्ट मैं ऊपर आई बटन पे डाल दूंगा। अगर वहां नहीं मिले तो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको सारे लिंक मिल जाएंगे। अब बात करते हैं हम आपके प्रोफाइल को अट्रैक्टिव बनाने की, कैसे बना सकते हैं, तो वही मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक देखना, पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो ना यार। लेट्स गेट टू द वीडियो। हेलो गाइस, मेरा नाम है विक्रम मलिक एंड वेलकम टू द एडिटर हब। तो अब बात करें अगर इंस्टाग्राम की, तो इंस्टाग्राम पे जब आप किसी को मैसेज भेजते हो या आपकी कोई पोस्ट होती है, तो नाम के बाद दूसरी चीज आपकी प्रोफाइल पिक देखी जाती है। अगर आपकी प्रोफाइल पिक इतनी अट्रैक्टिव होती है कि बंदा देख के उसका मन करे कि इसको फॉलो करें, इसको सब इस बंदे की पोस्ट देखें, तो उसके लिए आपको अपनी प्रोफाइल पिक बहुत ही अट्रैक्टिव बनानी पड़ती है। बहुत से लोग क्या करते हैं, अपनी सेल्फी लेकर अपनी फोटो अपलोड कर देते हैं, उनकी भी पोस्ट बहुत सारी वायरल होती हैं। रीजन क्या होता है कि उनके फॉलोअर्स ज्यादा होते हैं। फॉलोअर्स कैसे बढ़ाने हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके वीडियो चेक कर सकते हो। अब बात करते हैं आपकी प्रोफाइल पिक के ऊपर आप कैसे एक बॉर्डर लगा सकते हो। चलिए अब मैं आपको अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर लेके चलता हूँ। तो गाइस जैसा आप मेरे मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको जाना है गूगल क्रोम पे। गूगल क्रोम पे जाने के बाद आपको एक वेबसाइट सर्च करनी है जिसका नाम है unlinked.us। इस वेबसाइट को सर्च करने के बाद जैसे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे आपको उसमें ऑप्शन मिलेंगे। नीचे दो ऑप्शन मेन है, उस एक है आप फोटो को कैसे ग्रिड काट सकते हो 9 ग्रिड्स में, उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। और दूसरा ऑप्शन है कि आप अपने प्रोफाइल पिक्चर के ऊपर एक बॉर्डर लगा सकते हो। उसके लिए आपको ऑप्शन मिलेगा क्रिएट बॉर्डर नाउ, आप क्रिएट बॉर्डर नाउ पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपको उसका एक लेआउट खुल जाएगा। लेआउट में आप देखेंगे बहुत सारे आपको बॉर्डर दिखाई देंगे। वो बॉर्डर दिखाई देने के बाद नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा फोटो अपलोड करने का, तो वहां पे आप अपना फोटो अपलोड कर लीजिए। फोटो अपलोड करने के बाद आप देखेंगे कि आपका एक जो आपने ऊपर बॉर्डर सेलेक्ट किया था सिंगल लाइन का, वो आ जाएगा। अब आप बहुत सारे इसमें यहाँ पे बॉर्डर भी हैं, आप जौन सा बॉर्डर चाहें, जैसा चाहें आपको ठीक लगे, आप डिफरेंट कलर का करना चाहते हैं या आप डिफरेंट लाइंस का करना चाहते हैं, 2 लाइंस, 3 लाइंस, डॉट्स प्लस लाइंस, जैसा आपका मन करे आप वैसा यहाँ से एक बॉर्डर सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको करना क्या है, उसके बाद आप अपनी पसंद का बॉर्डर सेलेक्ट कर लीजिए। नीचे एक आपको ऑप्शन भी दिख रहा होगा वेरीफाइड टिक का, जहाँ पे टिक होता है जो वेरीफाइड अकाउंट को लगता है, वो भी आप अपने प्रोफाइल पिक पे लगा सकते हो, उससे भी थोड़ी सी और ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगी। तो आप वहां पे जाके उसको टिक करोगे तो आपका वेरीफाइड टिक भी लग जाएगा। लेकिन अभी बॉर्डर लगाते हैं। बॉर्डर लगाने के बाद आपको नीचे ऑप्शन दिख रहा होगा डाउनलोड का, वहां पे आपको करना क्या, आपको जाके वो फोटो को डाउनलोड कर लेना है। अब जैसा आप देख पा रहे हैं कि ये फोटो डाउनलोड हो जाएगा, डाउनलोड होने के बाद आपका फोटो बिल्कुल ऐसा दिखेगा जैसा आपकी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल पे लगता है। उसके बाद आपको अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाना है। इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाने के बाद ये फोटो को अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद आपकी प्रोफाइल पे कुछ ऐसे से दिखेगी, जो कि मेरे हिसाब से थोड़ी सी ज्यादा ही अट्रैक्टिव सी लग रही है। तो आप अपनी पसंद का बॉर्डर सेलेक्ट कर सकते हो इस वेबसाइट से जाके, और इस वेबसाइट से आप जैसे बॉर्डर जैसे भी वेरीफाइड टिक चाहते हो तो वो भी लगा सकते हो, उससे भी थोड़ा सा और ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाती है। तो बस यार गाइज, आज की वीडियो में सिर्फ इतना बताना था। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो आपने अब तक लाइक भी कर दिया होगा, अगर नहीं किया तो कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, अब तो कर ही दो। तो आज के लिए बस इतना ही, लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। बाय बाय।